हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि जो CVT UG का जो एग्ज़ाम्स के डेट हैं वो आ चुके हैं एंड कुछ दिन में PG का भी आ ही जाएगा। तो मैटर वो नहीं है कि एग्ज़ाम्स के लिए डेट आए हुए हैं, कब एग्ज़ाम्स होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो वो नहीं होना है, वो तो होगा ही होगा। जो मेन है, जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, ये है कि टाइम कम है। अब मोर देन मुझे लगता है कि 20-25 एक महीना मान लो, लगभग एक महीना तुम लोगों के पास में टाइम है, और उस एक महीने में अपना बेस्ट देना है। मतलब अब कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट्स, एक एक कीवर्ड्स, फैक्ट्स, जो भी ये कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए आपको फोकस करना है। जो मैंने पिछले वीडियोस में बेसिक्स बुक्स बताए थे उनको कवर करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना रिवाइज करना है। मतलब अब कोई नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी न्यू पॉइंट्स, न्यू टॉपिक्स, न्यू जो भी अगर कहीं पे इशू हो रहा है वो नहीं कवर करना है। क्या कवर करना है? यू हैव टू जस्ट फोकस एंड डू रिवाइज अगेन एंड अगेन अगेन। जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो जो भी मैंने बुक्स बताया है। सोर्स को अपने लिमिट कर लो, अपने सोर्सेस को जितना ज़्यादा हो सके उतना लिमिट करो। उससे ज़्यादा मतलब सोर्सेस को डाइवर्सिफाई मत करो, अब सोर्सेस को लिमिट करना है। अब लिमिट करो 2-3-4, जितनी बुक्स तक हो सके, एक नोट्स तक हो सके, उसको लिमिट करो और उसको बार बार रिवाइज करो। जितनी बार ज़्यादा रिवाइज करोगे ना उतना अच्छा बेहतर करोगे। एंड वन थिंग मोर, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पर टाइम दो, स्पेयर टाइम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पर दो। एंड आई एम हैप्पी दैट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में करते हैं। इवन मैं भी इनिशियल जो वीडियोस बनाता था साल भर पहले, तो मैं उससे सीखा हुआ था, वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एंड तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिकल पर फोकस करो, और जितना ज़्यादा हो सके जो भी अपने नोट्स बनाया हुआ है, बुक्स पढ़े हुए हैं, जिस बुक्स अंडरलाइन किए हो, वो सारे चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके ना उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी हमेशा से गेम चेंजर रहा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आता ही नहीं है। एंड अगर तुमने किया हुआ है, एंड आई नो आप जानते हो, बहुत ऐसे जानते हो, उसको जस्ट मगअप करो, ठीक है? रेंज, डेविएशन, मीन, मीडियन, मोड, सेंटर टेंडेंसी कैसे निकालते हैं इन चीज़ों से, उसके बाद में ग्राफ वाला, स्केल वाला, जो भी क्वेश्चंस हैं, डॉट मेथड, ये सब जो होता है ना, RFS का, ये सब जितना, उन सब चीज़ों पर फोकस करो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन फोकस करो, मोर देन 10-15 क्वेश्चन पॉपुलेशन ज्योग्राफी से इजिली मिल जाएंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी में तो जानते हो क्या क्या पढ़ना होता है। आई मीन टू से दैट कि न्यू चीज़ें नहीं पढ़ना है। क्या करना है? न्यू थिंग्स को नहीं पढ़ना है। यू हैव टू जस्ट रिवाइज द कंटेंट। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को लिमिट करो, और जितना ज़्यादा हो सके उतना उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, ठीक है? मैं थोड़ा लेट पे वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन हाँ, जो भी मैं बताता हूँ परफेक्ट बताता हूँ, ठीक है? मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, देख सकते हो, मैं भी पढ़ता हूँ ऐसे ही, पीछे बुक्स लगे हुए हैं। तो तुम ही लोग जैसा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एंड आई नो कि कैसे पढ़ना होता है, बिकॉज मैंने भी ZNU का एंट्रेंस दिया था हिस्ट्री में, मुझे मिला भी था, बट आई डिडंट टेक एडमिशन बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन ज्योग्राफी। बट पढ़ो जैसे करना है, ठीक है? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे रिवाइज करो, करो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है? फिर मैं ऐसे ही अपडेट करूँगा, ऐसे ही मोटिवेट करूँगा। और हाँ, जहाँ भी लगे कि तुमको इशू हो रहा है, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, रिवाइज करने में इशू हो रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा, डर लग रहा है, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू सॉल्व, ट्रस्ट मी। जो भी इशू है मुझे पूछो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, इवन यू कैन कॉल मी, अगर होगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है? जैसे भी होगा मैं हेल्प करूँगा, ठीक है? बस आप पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट इट। थैंक यू सो मच।